हुनर हो मुझ में क्योंकि सबला हूं मैं, मैं हूं बेटी राजस्थान की, ऐसी सखियां आज के इस सखी सम्मेलन में। और आग्रह माननीय मंत्री ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग श्री रमेश मीणा जी से अपना संबोधन हमें प्रदान करें माननीय मंत्री महोदय। सखी सम्मेलन में मंच पर विराजमान माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारी मुख्य सचिव महोदया एसीएस अभय कुमार जी, कुंजीलाल जी, मंजू राजपाल जी, रवि जैन जी, शिवांगी जी, रश्मि जी, और यहाँ पर जो मातृशक्ति दूर दराज से यहाँ आई है और बीसी के माध्यम से जिला पंचायत समिति और ग्राम पंचायत से जुड़ी हुई है, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मुख्यमंत्री जी जो आपके बीच में पधारे हैं, उससे पहले मैं अपनी बात करूं, चर्चा करूं आप लोगों से, मेरा मैं उद्बोधन देना चाहता हूं। तो जो महिला सखी मातृशक्ति इधर से उधर घूम रही है, आज मुख्यमंत्री जी आए हैं आपके बीच में, हमने लगातार इनसे अनुरोध किया कि मुख्यमंत्री जी हमारे राजीविका के प्रोग्राम में आप पधारें, तो अनुरोध के बाद आज आपके बीच में आए हैं, तो कृपया करके थोड़ी देर के लिए मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन पूरा नहीं हो जाता तब तक शांति से बैठ जाएं। और यह मैं आपको कहना चाहता हूं, आपकी बात माननीय मुख्यमंत्री के सामने आपकी जो मांगे हैं, मैं विभिन्न जिलों में गया हूं, आपकी मांग आपने मुझे बताई, आज मुख्यमंत्री जी के सामने रखूंगा। और आप लोगों को यहां बुलाया है, जो 20,000 से ऊपर यह महिला आई है और बीसी के माध्यम से जुड़ी हुई है, तो विशेषकर आप लोगों को चिन्हित किया है। और यहां क्यों बुलाया गया है, तो ये आपका बहुत कुछ भला होने वाला है, शांति बनाए रखें। और मुख्यमंत्री जी से हम मांगते हैं, मांगते मांगते थक जाते हैं, मुख्यमंत्री देने में थकते नहीं है, तो शांति बनाए रखें आप और अपनी जगह पे कुछ समय के लिए जहां आपको स्थान मिला है वहां शांति से बैठ जाएं। और मैं तो कुछ थोड़ी बात कहूंगा, फिर मुख्यमंत्री आपको जो आपकी डिमांड है और उनकी क्या सोच है, तो सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को उनकी गरिमामय उपस्थिति पर, जो हमारी महिलाओं में सखी सम्मेलन में यहाँ पधारे हैं, तो एक नवीन ऊर्जा का संचार हुआ है, क्योंकि सखियों के सम्मेलन होते हैं नीचे के लेवल पे होते हैं, मंत्री तक नहीं जाते थे आज से पहले, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच ऐसी है कि गरीब परिवारों का उन्मूलन कैसे हो, महिला का सशक्तिकरण कैसे हो, महिलाएं हमारी आगे कैसे बढ़े, तो ये आप लोगों को शायद जानकारी नहीं होगी, तो मैं बताना चाहता हूं आपको कि राजीविका का शुभारंभ कैसे हुआ। राजीविका का शुभारंभ 2010 में बांसवाड़ा जिले में, बांसवाड़ा की धरती पर हमारी यूपीए की अध्यक्ष सोनिया गांधी जी पधारी थी, और उस समय हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीएम थे, गहलोत साहब, तो इनकी सोच है, इन्होंने सोनिया जी से कहा कि संविधान के अनुसार महिलाओं को समानता का अधिकार मिले, उसके लिए कोई रास्ता हमें मिले, तो इनकी कितनी बड़ी सोच कि गरीब महिलाओं के प्रति हमारे मुख्यमंत्री क्या सोचते हैं। तो राजीविका का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा
हमारी यूपीए के अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के द्वारा शुभारंभ करवाया, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का बरसों पुराना अनुभव है। ये मुख्यमंत्री तीसरी बार बने हैं और हमें भी थोड़ा सा मौका मिला है। तीन बार विधायक बने हैं, मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से मंत्री हूं इस विभाग का। तो जब मैं गांवों में गया और पहली बात यह है कि मैं भी ग्रामीण परिवेश से हूं और गरीब घर से संघर्ष करते हुए यहां तक पहुंचा हूं। तो गरीबी क्या होती है, गरीबी मैंने देखी है नजदीक से, क्योंकि जब गांव की महिलाएं ब्याह शादी, आपके घर का मरम्मत या खाद बीज चारा, बीमारी का इलाज, इनकी जरूरत पड़ती है, तो महिलाएं कहां जाए? तो घर को चलाने वाली जो गृहिणी है, जिसको कहते हैं होम मिनिस्टर, आप ही घर को संभालती हैं, चलाती हैं, तो मातृशक्ति कहां जाए? उसको बच्चों को भी पढ़ाना है, फीस भी जमा करानी है। तो वो महिलाएं सेठ साहूकारों के पास जाती थी, उससे कर्जा लेती थी और कर्ज कभी चुकता नहीं था और उसका एहसान भी रहता था। वो जब कभी बुलाए तो छोटे मोटे काम फ्री में करा लेता और एहसान और दिखाता और उसका ब्याज कभी नहीं पड़ता था। लेकिन जब से राजीविका प्रारंभ हुई है इस प्रदेश में, तो महिलाओं में खुशहाली आई है, बदलाव आया है। हमारी MNIT के सर्वे, मालवीय रीजन इंजीनियरिंग कॉलेज था नाम उसका, अब तो MIT नाम हो गया इसका, नेशनल टेक्निकली जो है, तो इसके माध्यम से, MNIT के माध्यम से जब सर्वे हुआ तो जिन महिलाओं ने 1 लाख लोन राजीविका के द्वारा लिया गया, उन महिलाओं की आर्थिक स्थिति में इजाफा हुआ और करीब 20% महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ, बदलाव आया। उन्होंने अपने कच्चा मकान था पक्का मकान बनाना शुरू कर दिया, बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिला दिला दिया और स्कूटर, मोटरसाइकिल, दोपहिया वाहन, TV खरीदना शुरू कर दिया। तो एक शुभ संकेत की बात है। तो मैं इस मौके पर कहना चाहता हूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच, हम जब मुझे ये डिपार्टमेंट मिला तो सबसे पहले उन्होंने यही कहा कि गरीब का भला कैसे हो सकता है रमेश, और गांवों का विकास, गरीब तक हमारा विकास जाना चाहिए। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री की सोच कि महिलाओं के प्रति कितने प्रतिबद्ध है, सतत प्रयास कर रहे हैं, विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आपको लाभ पहुंचा रहे हैं, और आज जब आपका उनका उद्बोधन होगा तो आपको भी लगेगा कि हमें बुलाया है तो हमारा कितना ख्याल रखते हैं, कितना सम्मान करते हैं मुख्यमंत्री जी। आज तक मैंने कभी मुख्यमंत्री देखे हैं इन सालों में, बहुत बचपन से, लेकिन ऐसा मुख्यमंत्री जो गरीब के प्रति एक ऐसी सोच रखता हो कि गरीबी रेखा से ऊपर आए और वो आदमी सशक्त बने, महिलाओं को सम्मान मिले, समानता का अधिकार मिले, तो उसके लिए उन्होंने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आगे बढ़ाया। और जो हमने राजीविका में किया है वो आप लोगों को बता देना चाहता हूं। वैसे तो मेरे से पहले हमारी चीफ सेक्रेटरी ने भी बताया, लेकिन जो हमने किया है तो पूरे राजस्थान में जो हमारा भारतीय आर्थिक सामाजिक जातिगत जनगणना के आधार पर 2011 के सेक के आधार पर पूरे राजस्थान में वंचित और गरीब परिवारों का एक सर्वे करवाया गया। उस सर्वे में 52,22,000 परिवार चिन्हित किए गए, लेकिन हमारी राजीविका के द्वारा सर्वे करवाया गया उसमें 46 लाख महिलाओं को चयन किया, और उसके माध्यम से हमने स्टार्ट कर दिया कि इन महिलाओं को आगे बढ़ाना है, इनका सशक्तिकरण करना है, इनकी गतिविधि जो भी है, इनकी हॉबी है, उनके अनुसार इनको
काम धंधा करा के इनकी आजीविका संवर्धन हमें कराना है। तो ये हमारी कोशिश रही और हमने कोशिश की। अब तक 2010 से अब तक हमने 43,51,000 परिवारों को जोड़ा है। मात्र 2.5 लाख परिवार है, उनको हम अगले वित्तीय वर्ष में जोड़ देंगे। तो हम आज राजस्थान समावेशन की स्थिति में, सैचुरेशन की स्थिति में बहुत आगे बढ़ रहा है। और उसके अलावा जो आज समूह की स्वयं की बचत है वो 818 करोड़ है, और राजीविका के माध्यम से 1447 करोड़ रुपए आपको प्रदान की है, और 650 करोड़ रुपए हमने इन 4 सालों में दिए हैं, और 27 लाख महिलाएं भी इन 4 सालों में हमने राजीविका से जोड़ी हैं। तो ये हमने एक ऐतिहासिक काम किया है। इससे पहले काम बड़ा स्लो चल रहा था। जैसे हमें ये जिम्मेदारी मिली तो हम गांव आपके बीच में गए, आपका फीडबैक लिया, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। ये सब काम माननीय मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से उनके सानिध्य में हुआ। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा हम महिलाओं के लिए क्या कर सकते हैं, क्या काम धंधा दे सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो हमें आप बताओ, वैसा ही हम करेंगे। तो इनके सानिध्य में, उनके दिशा निर्देशन में हमने इस राजीविका को आगे बढ़ाया और हमारी महिलाएं आगे बढ़ी हैं। और बैंकों के माध्यम से 4,774 करोड़ रुपए का लोन उपलब्ध करवाया। इन 4 वर्षों में हमने हमारे कार्यकाल में 3592 करोड़ रुपए का लोन दिलाया। तो कुछ बातें ऐसी हैं कि जो आज हमारा संगठन आगे बढ़ रहा है। 26,278 ग्राम संगठन है, 890 CLF है, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने निवेदन किया था, हमारे अधिकारियों ने हमने, कि महिलाओं का जो ब्याज दर है जो बैंकों का वो बहुत ज्यादा है। तो मुख्यमंत्री ने बजट में घोषणा की थी कि 8% महिलाओं का जो ब्याज लगता है उसका बहन सरकार करेगी। तो बड़ा फैसला मुख्यमंत्री जी ने लिया, और अब महिलाओं को जो लोन मिल रहा है वो 2.5% ब्याज दर पर मिल रहा है। और अभी करीब हमने 63 करोड़ रुपए 15,900 महिलाओं को ऋण बांटा है। और विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे आपकी कृषि है, एग्रीकल्चर है, पशुपालन है, इनकी अपन ज्यादा चर्चा करेंगे, आपके उद्यम सखी है, ये अलग अलग क्षेत्रों में जैविक खेती है, इन सभी में हमने अच्छा काम किया है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। आपकी छोटी दुकान, रिटेल की दुकान और नॉन एग्रीकल्चर जो आपके प्रोडक्ट हैं उनको मार्केट में कैसे बेचा जाए, आपके आमदनी आय में कैसे इजाफा हो। तो ये हमने जब विभिन्न जिलों में हम गए थे तब हमने देखा कि कोई महिला तो हमारी 25,000 से 50,000 रुपए महीने कमा रही है, कोई महिला 5,000 रुपए कमा रही है। तो हमारे अधिकारियों को हमने दिशा निर्देश दिया कि हमें जब 50,000 1 लाख तनख्वाह मिलती है तो इनकी भी आय बढ़नी चाहिए, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। उसके बाद हमने कुछ निर्णय लिए, तो आपके आय में भी हमने जब अध्ययन करवाया, पता किया, तो कुछ जगह आपकी आय के स्रोत बढ़े हैं, आप लोगों में भी लगन है, आप लोगों ने भी इस काम को बढ़ाया है। लेकिन इस मौके पर मैं कहना चाहता हूं कि अभी भी हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ गैप है, उस गैप को हम धीरे धीरे पूरा करेंगे। और इस मौके पर माननीय मुख्यमंत्री ने एक बड़ा काम और किया था आपको, कि जो बैंक निधि महिलाओं के लिए खोली है उस समय 50 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी थी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने। आज मैं फिर इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि इस सब्सिडी को और बढ़ाया जाए। आप खुद घोषणा करेंगे,
जिससे ज्यादा से ज्यादा लोन हमारी महिलाएं ले सकें। तो कुछ बातें हैं आपकी जिनके बारे में मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि भाषण देंगे तो बहुत हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी को कहना है आज, जो कहना है, जो घोषणा करनी है, क्योंकि हमने जो मांगा विधानसभा में, जितने भी मंत्री हैं, विधायक हैं, जिला प्रमुख हैं, प्रधान हैं, तो हमने जो मांगा उससे ज्यादा दिया। तो हम तो ये विश्वास करते हैं आप लोगों की तरफ से मैं मुख्यमंत्री जी से कुछ मांगे हैं, उसके अलावा मैं नहीं कहूंगा उससे ज्यादा देने के लिए। मैं कहना चाहूंगा, जैसे देसी भाषा में कहते हैं कि आज पिटारा खोलेंगे मुख्यमंत्री जी, तो शांति बनाए रखिए। और राजीविका के अंतर्गत कार्यरत महिला कैडर्स को मानदेय में 15% की वृद्धि की जाए, ये मुख्यमंत्री जी से मांगे हमारी। राजीविका के कैडर को स्कूटी वितरण महिला निधि के माध्यम से, इसके लिए ऋण वितरण कर लिए। जो भी आप अमाउंट रखें, मैंने तो कम ही रखा है 50 करोड़, पर ज्यादा दे तो आपकी मर्जी। और एक जो महत्वपूर्ण बात है, मुख्यमंत्री जी से हमने अनुरोध किया है कि राजीविका की महिलाओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में चरणबद्ध रूप में 991 इंदिरा रसोई संचालित करने की आप आज घोषणा करेंगे, हमारी महिलाओं को एक नया काम मिलेगा। तो ये भी हमारी मांग है। और सीएलएफ के कुछ भवन है संकुल स्तरीय, कुछ जगह तो सरकारी है, जहां प्राइवेट है करीब हमारे 495, इनकी कार्यालय की निर्माण की आवश्यकता है। तो ये कुछ हमसे भी एमएलए लेड या कन्वर्जेंस के माध्यम से ये सीएलएफ के भवन बने। और कोई छोटी मोटी दो चार चीजें हैं वो और भी हैं कि खेती के लिए बढ़ावा देने के लिए कुछ व्यय किए जाएंगे, तो छोटी मोटी मांगे हमारे स्तर पर हम कर लेंगे। और आजीविका की ऋण योजना है, इसमें थोड़ा सा हम बदलाव चाहते हैं, तो वो हम चर्चा मुख्यमंत्री जी से कर लेंगे, वो काम हो जाएगा। क्योंकि ज्यादा महिलाओं ने आवेदन किया, कम लोगों को ऋण मिला, तो इसमें हम सुधार की आवश्यकता है। और जो आपकी आईएम शक्ति उड़ान योजना है, उसके माध्यम से आपने 23 जिलों में जो सैनिटरी पैड बनाए हैं, 17,50,000 का वितरण हो चुका है, और इसको भी आप आगे बढ़ाएं। हम कोशिश करेंगे कि 100% ये पूरे हर जिले में हो जाए। और आपकी जो हॉबी है, आपकी जो डिमांड है कि हम कौन सा काम करना चाहते हैं जिसके माध्यम से आपकी आजीविका में संवर्धन हो, आय आपकी बढ़े। क्योंकि हमने जब महिलाओं से रूबरू होकर देखा, जब उनकी कहानियां हमने सुनी, तो हमारी आंखों में आंसू आ गए कि महिलाओं ने कहा कि राजीविका नहीं होती तो आज हम आगे नहीं बढ़ पाते, हमारे बच्चों को नहीं पढ़ा पाते, घर का संचालन नहीं कर पाते। घर की परिस्थितियां ऐसी थी कि महिला जब घर से बाहर जाती तो लोग जानते नहीं थे, तो लोग कहते हैं महिला सुबह की जाती है, शाम को आती है, कहां जाती है, उसकी मुखबरी करते लोग। लेकिन आज बड़े गर्व से मैं कहता हूं कि जब राजीविका की हमारी महिलाएं काम के लिए जाती हैं, तो घर वाले भी और गांव वाले भी खुशी होते हैं कि नहीं, अपना काम कर रही है, अपने पैरों पर खड़ी हो रही है, आत्मनिर्भर बन रही है, आत्मबल जागा है, जागृत हुई है। तो मुख्यमंत्री जी से और एक बात निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी प्रचार प्रसार का काम है हमारे विभाग का, तो हमने दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए हैं कि हमारी राजीविका की महिलाओं से प्रचार प्रसार करवाया जाए, जितने भी हमारी जनकल्याण की योजना है। और उसके अलावा आप चाहें तो हमारी महिलाएं सक्षम है, सोशल ऑडिट भी कर सकती हैं। और जो भी आप काम देंगे उसको ईमानदारी से करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मुख्यमंत्री, कि हमारी महिलाओं को हमने नजदीकी से देखा है और ये आगे बढ़ रही हैं। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहूंगा
आपसे कि आप लोग भी ईमानदारी से काम करें, जो भी प्रोडक्ट बनाएं उसमें शुद्धता हो, जिससे हमारा प्रोडक्ट अच्छे दामों पर बिके। और हमारी सरकार की और मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे कि जो आपके प्रोडक्ट आप बनाते हो उसका विक्रय हम कैसे करें, उसके लिए हमें क्या निर्णय लेना है जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। और पुनः जो आप सभी दूर दराज से मातृशक्ति या पधारी है और बीसी के माध्यम से जो जुड़े हुए महिलाएं, उनको पुनः मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने अनुरोध किया और आज हमारे बीच में है, तो बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए तो बड़ी ऐतिहासिक बात है कि मुख्यमंत्री जी आए। मेरी मन में ऐसी अभिलाषा थी, ऐसी भावना थी कि हमारी महिलाओं से मुख्यमंत्री जी आए और उनसे रूबरू हो और उनके बारे में जाने, फिर हमें लगेगा कि हमारी महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। इसी के साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। हम सब सखियों की बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने के लिए, हम सबकी पैरवी के लिए आपका बहुत बहुत आभार। और अब आज का ये ऐतिहासिक